हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज विथ SK में। तो दोस्तों, जैसे ही कोई बिहार का नाम लेता है तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार अपने आप में एक बहुत ही रोचक है, क्योंकि इसने बहुत ही बड़े बड़े महापुरुष को जन्म दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के बारे में कुछ रोचक तत्व जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, जिसका नाम है 20 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बिहार। तो देखिए, फैक्ट नंबर वन, हमारे देश के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से ही थे। और तो और, रामायण जिन्होंने लिखा था महर्षि वाल्मीकि, वो भी बिहार से ही थे। यहाँ तक कि जीरो का जिन्होंने आविष्कार किया था, जीरो के बिना जो कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जीरो का जिन्होंने आविष्कार किया था आर्यभट्ट, वो भी बिहार से ही थे। और तो और, चाणक्य, जिन्हें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, वो भी बिहार से ही थे। फैक्ट नंबर टू, मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, जो कि एक बहुत ही पुराने एम्पायर थे, इनके जो लीडर थे वो अशोका और विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब बिहार पे बहुत सालों तक राज किए, क्योंकि उस टाइम में बिहार एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट था। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि बिहार में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन है, जो कि पटना में है, और इसका रेंज 100-200 मीटर नहीं, पूरे 20 किलोमीटर इसकी रेंज है, जहां तक ये फ्री वाईफाई सप्लाई कर सकता है। फैक्ट नंबर फोर, बिहार में सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, जो कि बहुत ही पहले बनाया गया था और जो अभी ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर फाइव, बिहार का जो कैपिटल है पटना, वो सबसे पुराने सिटीज में से एक है, इंडिया के सबसे पुराने सिटीज में से, जो कि अभी तक बसा हुआ है। फैक्ट नंबर सिक्स, बुद्धिज्म मतलब कि जैन की जो शुरुआत हुई थी, जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी, वो भी बिहार से ही थे। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि बिहार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, क्योंकि हमारे बिहार के जो नेता थे रामविलास पासवान, उन्होंने हाजीपुर से एक इलेक्शन लड़ा था, जिसमें वो जीते थे और 4.24 लाख के वोट के मार्जिन से जीते थे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फैक्ट नंबर एट, क्या वो पता है कि बिहार में ही सबसे पहला बूथ कैप्चरिंग हुआ था, जो कि 1957 में किया गया था, वो भी बिहार में ही हुआ था। फैक्ट नंबर नाइन, बिहार का एक राज्य है मुंगेर, जिसे कट्टा फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1800 ईस्वी से ही गन बनते आ रहे हैं, और जो कि अभी भी बन ही रही है। फैक्ट नंबर 10, गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने जो आजादी का संघर्ष है वो जब शुरुआत किया था, वो हमारे बिहार से ही किए थे। बिहार के एक सिटी जो कि था चंपारण, वहां से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, सत्याग्रह आंदोलन की। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है और सूखा भी पड़ता है, लेकिन फिर भी बिहार के जो किसान होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि उनको ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2014 में एक सर्वे निकाला गया था, जिसमें 42% लोग किसान सुसाइड कर रहे थे, लेकिन उसमें बिहार का एक भी किसान नहीं था, क्योंकि ये लोग, बिहार के किसान जल्दी सुसाइड नहीं करते हैं, चाहे यहाँ कितना भी ज्यादा बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए। फैक्ट नंबर 12, रामायण के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। रामायण में जो राम जी की पत्नी थी सीता, उनके जो पिता थे जनक, वो जहाँ के राजा थे, वो बिहार के ही एक जगह के राजा थे, जिसे मिथिलांचल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, बिहार में एकमात्र ऐसा पूजा है, जो कि पूरे इंडिया में एकमात्र सूरज देवता का पूजा है, जो कि किया जाता है, और वो भी बिहार में ही किया जाता है, जिसे छठ पूजा नाम से जाना जाता है, और ये बिहार में दिवाली के बाद हर साल मनाए जाने वाला पर्व है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन जिस टाइम हुआ था, तो जिस पर्वत का यूज किया गया था उसमें, मंदार पर्वत, वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, और भागलपुर को हाल ही में स्मार्ट सिटी में जोड़ने का भी प्लान चल रहा है। फैक्ट नंबर 15, लीची, जो कि एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है, वो
सबसे ज्यादा फेमस बिहार के मुजफ्फरपुर का है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर को लीची फैक्ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 16, गंगा सेतु, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 5,750 मीटर लंबा ये पुल जो है ये बिहार में ही बन रहा है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग, जो कि इस टाइप की पेंटिंग होती है, ये बिहार में ही की जाती है सिर्फ, और ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा फेमस है बिहार में। फैक्ट नंबर 18, इंडिया में सबसे ज्यादा ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला स्टेट बिहार है। बिहार के लोग रिश्ते के महत्व को जानते हैं, बिहार में ही सबसे ज्यादा ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, बाकी के राज्य में लोग अलग होते जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली में कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन बिहार में अभी भी लोग बहुत सारे परिवार ज्वाइंट फैमिली में ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि बिहार को IAS फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से अधिक बहुत सारे लोग UPSC क्लियर करके IAS बनते हैं, और ये बिहार के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। फैक्ट नंबर 20, बिहार में एक राज्य है पूर्णिया, जिसके बगल में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान, और ये जो है पूर्णिया के बगल में एक गांव है उसी का नाम है पाकिस्तान, और ये एक बहुत ही गजब की बात है कि बिहार इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान है और इंडिया के बाहर भी पाकिस्तान है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।